नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। पिछले दिनों रजौरी गार्डन में हुए विधानसभा उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने वाले बीजेपी अकाली विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का बीजेपी समर्थक सरदार हरजीत सिंह बेदी और उनकी पूरी टीम ने सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर अकाली दल बादल दिल्ली इकाई प्रधान मनजीत सिंह जी के अवतार सिंह हित अमरजीत सिंह पप्पू, परमजीत सिंह राणा, परमजीत सिंह चंडोक सहित सभी दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी सदस्यों सहित रजौरी गार्डन इलाके के कार्यकर्ता और इलाके की जनता मौजूद थी, जहां मनजिंदर सिंह सिरसा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी पार्टी के नेता और बीजेपी अकाली दल के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने चुनाव के दौरान तन मन धन से साथ दिया था। श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी की जी उस प्रताप नगर की सीट का जिक्र कर रहे हो, असी बहुत ही वड्डे मार्जन से उत्थे जितांगे। और इत्थे जिथे अज सिरसा जी दे आए हुए हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर बाई इलैक्शन के अंदर रिकॉर्ड बढ़ाया और खास तौर पर झाड़ू वाले की जमानत जबत कराई है। यदि मैं उन्होंने बधाई देना आया और परसों का जोड़ा नतीजे आएंगे वो तुम देखना क्लीन स्वीप होएगा और बीजेपी घट तो घट 250 सीटा लैके जाएगी। और अकाली दल के जिन्हें उम्मीदवार ने सारे पांच दे पांच अपने इलाकों चु जितणगे और श्रोमणी अकाली दल के भारतीय जनता पार्टी की जी सांझ है वो बधाएंगे। और मेरे हिसाब से सरदार मनजीत सिंह जी के जो सोच है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोणा भी असी 35 सीटा जीतियां और आम पार्टी ने जिहड़ा पंथक अकाली दल बनाया सी उहदे सारे उम्मीदवारों की जमानत जबत हो और इदां दा जमानता दा जबत होने का सिलसिला जारी होया। गोवा च भी 39 विधानसभा च लड़े और एक ही चीज़ जमानत बचा सके, बाकी 38 च उन्हां दीआं विधानसभा गोवा च जमानत जबत गई। वो सब तो वड्डी जित सिरसा जी की हुई, जिन्हां ने आम आदमी पार्टी ने जिहड़ी पिछली बार 54,000 वोट ले सी उह सिर्फ 10,000 ते सिमट गई, 44,000 वोट उन्हां दी कट्टी और जमानत जबत गई। इस सिलसिला हुण जिहड़ा 26 तरीक नूं तुहानूं पता चलेगा आम आदमी पार्टी झाड़ू दिल्ली तो साफ हो जाएगा। हुण आने वाली एमसीडी चोणा जिहड़ियां बड़ियां बारकेदार जितांगे, असीं शानदार वोटां पईआं, लोकां ने बड़ा मतलब सहयोग किया और मोदी लहर चली है दिल्ली पूरी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक तरफियां वोटां पईआं, भावें कोई नाराज सी भावें कोई खुश सी, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। जो मैं उत्थे देखिया रुझान देखिया एकदम वोटा एकदम अपने कारपोरेशन दी तो जी साड़ियाँ सीटा मेरा ख्याल अकाली दल चार पाँच या पाँच सीटा निकल गई और ये शानदार जिता गया। हाँ ये ठीक है कि जी रजौड़ी की सीट है जो जीती है ना तो वो फर्क पिया पड़ोस में भी उधर भी पिया फर्क, क्योंकि उतने झाड़ू वाले की जमानत जब्त हुई तो जमानत जब्त का असर लोगों बाकिया से भी पिया भी झाड़ू वाली पार्टी आ ये निगलैक्ट करती लोगों ने, क्योंकि इन्होंने झूठ थोड़ा बोलिया, लोगों ने कुफर तोलिया, इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने लोगों को गुमराह किया, इस करके उन्होंने उन्हें वोटा नहीं पाइया, उन्नी नहीं पड़ी जीडिया पाइं उन्नियाँ पैनिया चाहिए वो पाइं नहीं उन्होंने। इस करके मैं ये लगता कि यह चोणा जीडिया असं बड़ी शानदार जित प्राप्त करा जिस तरह का असर रुझान देखिए। मैं लगता है कि लोगों का भरवा हुंगारा मिले और सारिया ने ही इस वेले मोदी साहब की सोच के नाल चलने सबका साथ सबका विकास और हुण एक दिन रह गया 26 नूं वोटां गिनती हो जाणी है और एग्जैक्ट वोट भी इसलिए 220 सीटा दिखा रहे हैं। सो दिल्ली दे विच बहुत वड्डा एक चेंज आने वाला है जिहड़ा कि 26 नूं तुहाड़े सामने दे दित्ते जाणगे। मैं कहना इस जित का बहुत फर्क पिया, पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के क्लीन स्वीप मिली है, उस तो बाद रजौरी गार्डन के जिस सिरसा जी लड़े जमानत जब्त हुई ने और जमानत जब्त का सिलसिला अगर चलेगा और सिरसा जी तो बाद हम एम सी डी सब की जमानत जब्त हो। सब ने ही अपना पूरा समर्थन दिया और सिरसा जी इतने भारी गिनती वोटर ने जताया। आपको बता दें, रजौरी गार्डन उप विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाने वाले पहले उम्मीदवार हैं सरदार मनजिंदर सिंह सरसा। यह थी हमारी खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया।